हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? फिजिक्स में 11th क्लास में, क्लास 11th हिंदी मीडियम वाले देखेंगे। 11th क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? कल हम लोगों ने मूल राशि या मूल मात्रक वगैरह पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक एक चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लंबाई का मापन, क्या पढ़ेंगे हम? लंबाई का मापन, लंबाई का मापन, ठीक है। तो लंबाई एक तरीके से दो तरीके की होती है, देखा जाए तो पहला नंबर क्या है बोलो? जो पहला है वो है सूक्ष्म लंबाई। क्या है? सूक्ष्म लंबाई। और जो दूसरा है वो क्या है? बड़ी लंबाई या कह सकते हैं दीर्घ लंबाई। दीर्घ लंबाई, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो छोटी लंबाई को कैसे मापते हैं और बड़ी लंबाई को कैसे मापते हैं, मापने की विधि का हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? सूक्ष्म लंबाई का माप, जो रेडिंग होगी हमारा क्या होगा? सूक्ष्म लंबाई का माप, सूक्ष्म लंबाई का मापन, सूक्ष्म लंबाई का मापन, ठीक है भैया। देखिए इसमें दो तरीके होते हैं, जैसे अगर बात की जाए सूक्ष्म लंबाई के मापन की, तो ठीक है, अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार, अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार, परिकल्पना के अनुसार अनुसार किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है भैया। अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। आप जानते हो परमाणु की त्रिज्या कितनी बड़ी होती है? बड़ी होती है छोटी होती है? बोलो भाई, बड़ी होती है कि छोटी? बहुत ही छोटी होती है। तो अवोगाद्रो परिकल्पना क्या है? पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, अवोगाद्रो परिकल्पना क्या पढ़ेंगे? अवोगाद्रो परिकल्पना, अवोगाद्रो परिकल्पना, ठीक है भैया। अवोगाद्रो परिकल्पना क्या है? यानी सकते इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार इस परिकल्पना के अनुसार, ठीक है, क्या है? किसी पदार्थ के एक ग्राम परमाणु में, किसी पदार्थ के, पदार्थ के एक ग्राम परमाणु में, एक ग्राम परमाणु में 6.02×10³³ अणु होते हैं, 23 अणु होते, समझ में आया? मीन्स तथा परमाणुओं का वास्तविक आयतन, परमाणुओं का, दूसरी परिकल्पना एक तरीके से कह सकते हैं, परमाणुओं का वास्तविक आयतन, परमाणुओं का वास्तविक आयतन, आयतन पदार्थ के आयतन का, पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है, 2/3 होता है। 2/3 को नोट कर लो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
इस परिकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.02×10^3 अणु होते हैं तथा परमाणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है वो पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है। क्या होता है? 2/3 होता है। बात समझ में आ गई ना? जल्दी नोट करो भाई, ठीक है? चलो इसको जल्दी करो। चलिए आइए हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? माना दिए गए पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु भार, दिए गए पदार्थ का ग्राम परमाणु भार माना, दिए गए पदार्थ का, दिए गए पदार्थ का ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, परमाणु भार कैपिटल एम ग्राम, ठीक है। लिए गए पदार्थ की मात्रा स्मॉल एम कह सकते हैं। लिए गए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा स्मॉल एम है, ठीक है, तथा अवोगाद्रो संख्या कैपिटल एन है, तथा अवोगाद्रो संख्या कैपिटल एन है, तब एम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, तब एम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की, परमाणुओं की संख्या स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? चलो नोट करो जल्दी। हो गया? चलो नोट करो जल्दी। हो गया? यदि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, आकार गोलाकार हो तो एक परमाणु का आयतन बराबर, तो एक परमाणु का आयतन V बराबर 4/3 πr³, जहां r जो है त्रिज्या, ठीक है भैया। V बराबर जो है 4/3 πr³, कंफर्म हो गया? यहां लिख सकते हैं, अतः एम ग्राम पदार्थ में, अतः एम ग्राम पदार्थ में, पदार्थ में उपस्थित, उपस्थित
परमाणुओं की संख्या बढ़ाना, उपस्थित परमाणुओं की संख्या बढ़ाना, ठीक है, उपस्थित परमाणुओं की संख्या बढ़ाना हो जाएगा कैपिटल एल स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू 4/3 पाई आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, तक समझ में आ गया है, समझ में आ गई है। यहां लिख सकते हैं अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार, अवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार, परिकल्पना के अनुसार अनुसार वास्तविक आयतन, वास्तविक आयतन, आयतन 2/3 होता है। समझ में आ गया, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग, अतः 2V/3 इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू 4/3 पाई आर। समझ में आ गया, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, 2 1 2 2 2 4 4 2 4 तो V इक्वल टू यहां से निकलेगा कैपिटल एल एम अपॉन एम इंटू पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत हो रही है, तो यहां से जाएगा बी एम इक्वल टू 2 पाई एल एम आर क्यूब। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो रही है, तो यहां से क्या बनेगा, आर क्यूब इक्वल टू बी एम अपॉन 2 पाई कैपिटल एल स्मॉल एल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां से हम कह सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू एम बी अपॉन 2 पाई एल, ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, एम बी अपॉन 2 पाई एल एम टू पावर 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब ये पावर दर थ्री थी, उधर जाकर 1/3 होगा, यहां से क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू एम बी अपॉन 2 पाई एल एम। कंफर्म हो गया भैया, एक चीज ध्यान रखना, एम मालूम है, बी मालूम है, टू है, पाई है, एन है, एम सब पता है, हम आर की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिसका मान इसको हल करेंगे तो इसका मान, मान 10^-10 मीटर तक आ सकता है। बात समझ में आई ना, जल्दी करो, हो गया, चलो देखो। अब हम कह सकते हैं बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं, ठीक है ना, बड़ी दूरियों का मापन भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। और देखो, जैसे हमने लंबाई का मापन बताया, उसी तरीके से किसका मापन करना है हम लोगों को, बोलो भाई, बड़ी दूरी का, द्रव्यमान का,
समय का मापन करना, इसको एक बार थोड़ा पढ़ना, कन्फर्म हो गया। और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग त्रुटियां, क्या पढ़ते हैं त्रुटियां, ठीक है ना। त्रुटि क्या है भैया, बोलिए त्रुटि क्या है। त्रुटि का मतलब होता है गलती। गलती किसी वस्तु को जो हम कभी मार नापते हैं तो उसमें कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, तो हेडिंग है हमारा त्रुटियां, ठीक है ना। ये दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, देखो पहला क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि। क्या है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां मतलब अगर शुरुआत में ही त्रुटि हो जाएगी तो उसके आगे आने वाले जितने भी चीजें हैं सब में त्रुटियां होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है भैया। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के कई प्रकार हैं, ठीक है ना। पहला जो है वो क्या है आपका, क्रमबद्ध त्रुटियों में सबसे पहले जो त्रुटि है उसे बोलते हैं यंत्रगत त्रुटियां, यंत्रगत या यांत्रिक त्रुटियां, यंत्रगत त्रुटियां। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा प्रायोगिक तकनीकी या प्रायोगिक त्रुटि कह सकते हैं, प्रयोग करते समय जो गलतियां होती हैं प्रायोगिक त्रुटि। और अगला क्या है, बाह्य कारणों के कारण त्रुटि जो होती है, बाह्य कारणों के कारण, बाह्य कारण से त्रुटि, ठीक है। और अगला है व्यक्तिगत त्रुटियां। अगला क्या है, व्यक्तिगत त्रुटियां जो इंसानों से हो जाता है, व्यक्तिगत त्रुटियां सब गलतियां हैं, ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटियां हो गई। और अगला क्या है, बस कंफर्म हो गया नहीं होगा। और यादृच्छिक त्रुटियों में भी आगे नहीं पड़ेंगे जो भी चीजें हैं, सबसे पहले यही है यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक त्रुटियां, बाह्य कारणों से त्रुटियां और व्यक्तिगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां क्या भैया, एक तरीके से देखा जाए जो यंत्रों के माध्यम से होती है, हम किसी भी चीज को नापते हैं अगर यंत्र में ही खराबी मान लो तो आप उस किसी चीज को तोड़ रहे हैं और उसमें कोई कमी है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है। उसी तरीके से प्रायोगिक त्रुटि है, यदि प्रयोग जब हम लोग लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां प्रयोग करते समय जो गलती कर देते हैं वो प्रायोगिक त्रुटि होगी, ठीक है। बाह्य कारणों से जो त्रुटियां होती है, ठीक है, वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये है कि हम काम करें कोई दूसरा आके कुछ इंटरफेयर कर दिया, उसके बाद व्यक्तिगत त्रुटियां खुद हमारा ही हाथ हिल जाए, तो इस तरीके की जो त्रुटियां उसे हम क्या कहते हैं भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो आ गया एक तरीके से देखा जाए जो यादृच्छिक त्रुटियां हैं इसमें कई तरीके की त्रुटियां, जैसे सबसे पहला निरपेक्ष त्रुटि, पहला क्या निरपेक्ष, अब इसका गणितीय आकलन करेंगे हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि पहला है, और दूसरी त्रुटि का क्या नाम है, सापेक्ष त्रुटि, क्या है सापेक्ष त्रुटि, और तीसरा क्या है प्रतिशत त्रुटि, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, नोट करो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हो गया भैया, जल्दी करो जल्दी करो।
अब एक तरीके से भैया ध्यान रखना, क्रमबद्ध त्रुटि, यंत्रगत त्रुटियां, प्रायोगिक त्रुटियां, बाह्य कारणों से त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इस सब त्रुटियों की गलती हम कल जो भी होगा करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही पढ़ लेना, उसके बाद कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।